करण अपनी प्रॉपर्टी के दो हिस्से के बंटवारे के बारे में बताएगा शौर्य को और शौर्य कह देगा करण को कि एक हिस्सा बटेगा आपके बेटे राजवीर के नाम। जिसे सुनकर लगेगा करण को बड़ा झटका और आएगी बड़ी सच्चाई करण के सामने। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शौर्य चरणामृत गिरा कर लॉबी में खड़ा होगा और राजवीर को जान से मारने के लिए जहरीले केमिकल के आने का वेट कर रहा होगा, तभी शनाया शौर्य के पास आ जाएगी और शनाया शौर्य को कहेगी कि शौर्य तुम यहाँ पर क्या करे हो, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी जरूर कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा। ये शनाया के मुंह से सुनकर शौर्य के होश उड़ जाएंगे और तभी शनाया शौर्य को कहेगी चलो सत्यनारायण की पूजा शुरू होने वाली है, तुम्हें बैठना नहीं है क्या। जिसे सुनकर तभी सत्यनारायण की पूजा में शौर्य बैठने के लिए जाएगा, तभी करण शौर्य के पास आ जाएगा और करण एक कोने में शौर्य को ले जाते हुए शौर्य को कहेगा कि शौर्य चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसे सुनकर तभी शौर्य करण के पास चला जाएगा और शौर्य को अकेले में करण कहेगा कि देखो आज मैं मेरी प्रॉपर्टी को दो हिस्से में बांटने जा रहा हूँ, जिसमें एक हिस्सा तुम्हारा होगा शौर्य और दूसरा हिस्सा। तभी करण की बात काटते हुए शौर्य कहेगा दूसरा हिस्सा आपके बेटे राजवीर का होगा। यह सुनकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी शौर्य करण को कहेगा मुझे पता है डैड, आप दूसरा हिस्सा आपके बेटे राजवीर को देंगे। जिसे सुनकर तभी करण को मन में लगेगा कि शौर्य को कहीं पता तो नहीं चल गया कि राजवीर शौर्य का सगा भाई है। तभी शौर्य ऐसी बातें कर रहा है, यहाँ पर तभी शौर्य करण को कहेगा कि डैड क्या हुआ। तभी करण कहेगा कुछ नहीं शौर्य, दूसरा हिस्सा राजवीर का होगा क्योंकि वो मेरे बेटे जैसा है। तभी शौर्य कहेगा डैड आप कितना झूठ बोलोगे, वो आपका बेटा ही है, ये क्यों नहीं कह देते, बोल दीजिए कि वो मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर तभी करण के होश उड़ जाएंगे और करण को मन में एक तरफ एहसास होगा कि कहीं शौर्य मजाक तो नहीं कर रहा, ये बातें शौर्य मजाक में तो नहीं कह रहा। तभी जब राखी माँ करण शौर्य के पास आएगी, तभी करण शौर्य को कहेगा कि चलो पहले सत्यनारायण की कथा में चलते हैं, बाद में ये सब डिस्कशन हो जाएगा। जिसे सुनकर तभी शौर्य सत्यनारायण की कथा में करण के साथ चला जाएगा और पूरे लूथरा मेंशन को जलाने के लिए बस्ती वाले लूथरा मेंशन के बाहर गेट में आ जाएंगे, जिसे चलते हुए देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और शौर्य का प्लान भी फेल होता हुआ दिखाई देगा। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और करण को खुद को शौर्य को बता देना चाहिए कि राजवीर उसका बड़ा भाई है क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।